देखिए यस, ये देखिए पीछे एम्बुलेंस भी आ गई है, फायर की गाड़ी आ चुकी है, और ये देखिए बंदे को फायर ने जंप आउट करके बचा लिया है। अभी मैं रिवर फ्रंट के पूर्व साइड हूँ, जहाँ पे पुराना अहमदाबाद आया हुआ है। अब आप ये मेरे पीछे मस्जिद देख सकते हैं, ये मस्जिद का नाम। हम आ गए हैं टागोर हॉल के पास, आया हुआ माई बाइक हब पे। तो यहाँ पे आया हुआ है रिवर फ्रंट बायोडाइवर्सिटी पार्क। अब फ्रेंड्स मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्रूज शिप है। हाँ जी फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं अटलांटिक फन वर्ल्ड, जो रिवर फ्रंट के। हेलो फ्रेंड्स, आप सबके जीवन में हेल्थ और हैप्पीनेस का इंडेक्स हमेशा ऊपर जाए, ये मेरी शुभकामना आप सभी लोगों के साथ। फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ अहमदाबाद के रिवर फ्रंट में। आज का मेरा पूरा व्लॉग रिवर फ्रंट के ऊपर रहेगा। रिवर फ्रंट में कितने स्पॉट है घूमने लायक, वहाँ की फ़ीस क्या है, वहाँ का टाइमिंग क्या है, मैं कोशिश करूँगा वो सभी चीज़ इस ब्लॉग के अंदर कवर करने की। तो चलिए बने रहिए मेरे वीडियो में मेरे साथ। देखिए, अगर आप एयरपोर्ट से आते हैं तो एयरपोर्ट से करीबन 2 किलोमीटर दूरी आपको रिवर फ्रंट मिल जाएगा। GPS पे इजीली अवेलेबल है, रिवर फ्रंट आप डालो यानी आपको सीधा वो 5 या 10 मिनट में रिवर फ्रंट बता देगा। और ये देखिए ये रास्ता पूरा रिवर फ्रंट जा रहा है, और आप ये देख सकते हैं बोर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवर फ्रंट की जर्नी। रिवर फ्रंट पर ज़्यादातर गार्डन काफ़ी सारे बने हुए हैं। ये जो वेलकम टू रिवर फ्रंट लिखा है, उसके पीछे ही एक गार्डन है, और गार्डन का चार्जेस रहता है 10 रुपये पर एडल्ट। और गार्डन काफ़ी क्लीन और मेंटेन गार्डन यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे। रिवर फ्रंट के स्टार्टिंग में ही आपको एक रिवर फ्रंट चिल्ड्रन पार्क देखने मिल जाएगा। अंदर काफ़ी सारे छोटे राइड्स और काफ़ी बड़ा गार्डन है। इसकी टिकट नॉर्मल ही है, 10 रुपये चार्ज है एडल्ट के लिए, और बच्चों के लिए 5 रुपये चार्ज है। रिवर फ्रंट पर आप कहीं पर भी जाओ, अहमदाबाद में भी कोई भी कोने पर जाओ, आपको खाने पीने की कभी भी तकलीफ नहीं पड़ेगी। आप ये देख सकते हो पीछे, मेरे पीछे ऑनेस्ट वालों का स्नैक्स बार है, उस साइड शंभूज वाले का कॉफ़ी बार है, यानी सभी चाइनीज़ पंजाबी सभी टाइप की आइटम्स यहाँ पे खाने पे मिलती है। यानी रिवर फ्रंट पे खाने पीने की चिंता छोड़ देना, आप कहीं पे भी आओ, सभी ब्रिज के नीचे भी आपको इस तरह के स्टॉल, अमूल के स्टॉल देखने मिल जाएंगे, जहाँ बच्चों के लिए भी स्पेशली दूध और सब कुछ अवेलेबल होता है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं गार्डन नंबर 2। रिवर फ्रंट पर करीबन 4 से 5 गार्डन है, और ये सभी गार्डन में सेम रेट है, बच्चों के लिए 5 रुपये और बड़ों के लिए 10 रुपये। चलिए, और मेरे पीछे देखिए पूरा रिवर फ्रंट का खूबसूरत नज़र आप देख सकते हैं, रिवर फ्रंट की दोनों साइड। और ये देखिए यहाँ पर सीढ़ियाँ, करीबन हर 100 मीटर्स में इस तरह की सीढ़ियाँ आपको दिख जाएगी, जिससे आप रिवर फ्रंट यानी रिवर के पास जा सकते हो। चलिए तो चलते हैं नीचे। पूरे रिवर फ्रंट पे इस तरह की बैठक व्यवस्था की गई है, और अभी आफ्टरनून का टाइम है, लेकिन इवनिंग में आपको यहाँ पे यंगस्टर ओल्ड एज सभी एज के लोग यहाँ पे आते हैं, चिल्ड आउट करते हैं, हैंग आउट करते हैं, और काफ़ी इन्जॉय करते हैं पूरे रिवर फ्रंट पे आया हुआ है। अब आप ये मेरे पीछे मस्जिद देख सकते हैं, ये मस्जिद का नाम है लवली बाबा की मस्जिद। ये मस्जिद का ब्लॉग ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, और काफ़ी सुकून वाली और शांति वाली जगह है। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ डिटेल जानकारी लेनी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लवजी बाबा की मस्जिद की एक लिंक दे दूंगा, आप कृपया वहां जाके देख लेना। और हाँ, रिवर फ्रंट की मुलाकात में ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस है, इसकी भी आप मुलाकात ले सकते हो। देखिए, रिवर फ्रंट एक ऐसी जगह है कि जहां पे आप बैठ के चिल आउट कर सकते हो, हैंग आउट कर सकते हो। अभी मेरा ब्लॉग तो स्टार्ट ही है, लेकिन मैंने यहाँ सोचा काफ़ी पूरे रिवर फ्रंट पर काफ़ी अच्छा माहौल है, तो मेरा 5 मिनट यहाँ पर बैठ के और चिल आउट करते हैं। मौसम भी काफ़ी अच्छा है, रेनी है, बारिश होने की तैयारी है। कभी भी आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट्स आए तो आपके सिटीज़ में जो अच्छी जगह है जहाँ पे आपको सुकून मिले वहाँ चले जाना चाहिए, जिससे क्या होता है कि री एनर्जी आपको मिलती है दूसरे दिन के लिए, नेक्स्ट डे के लिए, और अच्छा काम हो पाता है।
आ चुका हूँ मैं अटल ब्रिज और फ्लावर पार्क के गेट पे। ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे, ये अटल ब्रिज की एंट्री है और जो अटल ब्रिज आया हुआ है फ्लावर पार्क, वो जो रिवर फ्रंट का गेट नंबर 3 है उसके पास आया हुआ है। और दूसरा एक आपको लोकेशन दे दूँ अटल ब्रिज के लिए, SVP हॉस्पिटल भी आप अहमदाबाद में याद रख सकते हो। और SVP हॉस्पिटल के एग्जिट सामने ये पूरा फ्लावर पार्क और अटल ब्रिज आया हुआ है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं अटल ब्रिज और फ्लावर पार्क का ये टिकट काउंटर है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ अटल ब्रिज की टिकट है 30 रुपीज़ और फ्लावर पार्क की टिकट है 20 रुपीज़। अगर आप सेपरेट लेते हो तो 30 और 20 आपको पेड करना पड़ेगा, लेकिन आप अगर इंक्लूडिंग टिकट लेते हो तो 40 रुपीज़ में अटल ब्रिज और फ्लावर पार्क दोनों आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी अटल ब्रिज के ऊपर मैंने वीडियो बताया है, बनाया हुआ है, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटल ब्रिज का वीडियो डाल दूंगा, वहाँ जाके कृपया आप देख लीजिएगा। अटल ब्रिज और फ्लावर पार्क दोनों का टाइमिंग सेम है, मॉर्निंग 9 to इवनिंग 9। और यहाँ पे अगर आप आते हो तो खाने पीने की कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिवर फ्रंट पर हर एक स्पॉट पर आप देख सकते हो मेरे पीछे इस तरह का ओक्को इटरी हैमोर सभी तरह के स्टॉल्स अवेलेबल होते हैं, तो आपको खाने पीने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए अटल ब्रिज रिवर फ्रंट और घूमिए। ये फ्लावर पार्क का एंट्री गेट है और आप देख सकते हो वहाँ पे वो जो सामने आपको जो डोम दिखाया जा रहा है, वो उसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स देखने मिल जाएंगे। अगर आपको बॉटनी या फ्लावर्स में इंटरेस्ट हो तो आप अंदर जा सकते हैं। हम आ गए टागोर हॉल के पास आया हुआ माई बाइक हब पे। चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं इसका रेट क्या है। आप देख सकते हैं कितनी सारी बाइसिकल यहाँ पे रखी हुई है, ये देखिए सभी बाइसिकल अलग अलग साइज़ की है, चिल्ड्रन के लिए, एडल्ट के लिए, टोडलर के लिए, और ड्यूइड बाइसिकल भी यहाँ पे है। आ गया हूँ मैं नेक्स्ट एक्टिविटीज़ जो रिवर फ्रंट पे है। यहाँ पे आया हुआ है रिवर फ्रंट बायोडाइवर्सिटी पार्क और इसकी टिकट का प्राइस आप देख सकते हैं सीनियर सिटीज़न 10 रुपये, 5 से 12 साल 10 रुपये, और एडल्ट की 20 रुपीज़ टिकट है। और यहाँ पे मोबाइल से आप वीडियोग्राफी या फोटोग्राफ ले सकते हो, लेकिन कैमरा के लिए उसका चार्ज अलग से है, या तो फिर कैमरा के साथ एंट्री नहीं मिलेगी दोस्तों। तो अगर आप बायोडाइवर्सिटी पार्क आते हो तो कैमरा या वो लेके नहीं आए, मोबाइल से आप वीडियोग्राफी कर सकते हो। चलिए चलते हैं अंदर। देखो एंट्रेंस में ही आपको एक चीकू का ट्री देखने मिल जाएगा। डाइवर्सिटी पार्क में डिफरेंट टाइप के ट्रीज यहाँ पे ग्रो किए हुए हैं। इट इज कॉल्ड अरीठा ट्री, कनक चप्पा ट्री, देन नगोल ट्री, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ ट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज देखने मिल जाएंगे। और रास्ता तो मुझे लग रहा है कि मैं काफ़ी अंदर आ गया हूँ, चलते ही जा रहे। बायोडाइवर्सिटी पार्क में जब आते हो तो भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बीवेयर ऑफ रेप्टाइल्स, यानी सरीसृप से सावधान। यहाँ पे काफ़ी सारे स्नैक्स रहते हैं, तो फिर बायोडाइवर्सिटी पार्क में अगर आते हो तो सरीसृप सांप से सावधान रहना, क्योंकि आप देख सकते हो मेरे पीछे पूरा जंगल जैसा ही है। गुजरात गवर्नमेंट अहमदाबाद म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन ने काफ़ी अच्छा काम किया है। आप तो देख सकते हैं रिवर फ्रंट के दोनों साइड आपको इतनी ग्रीनरी देखने मिल जाएगी। देखिए ये दोनों साइड ग्रीनरी देखिए, क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे रोड्स रिवर फ्रंट के आजू बाजू बनाए कि जिसमें आपको ड्राइव करने में काफ़ी मज़ा आएगा। फ्रेंड्स मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्रूज शिप है, यहाँ पे डिनर और लंच का ऑर्गेनाइज किया गया है अक्सर रिवर क्रूज़ करके। एक ये रिवर फ्रंट रेस्टोरेंट है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पूरा उसका प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ही वो शिप आती है और यहाँ से ही
जो भी जिन्होंने भी डिनर और लंच का स्लॉट बुकिंग किया होता है उन लोगों को साबरमती रिवर फ्रंट और रिवर में और पूरा सब थोड़ा सा घुमाते और वहाँ पर लंच और डिनर सर्व करते हैं। ये एक अभी रिसेंटली नजराना दिया गया है अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ओर से। देखिए लंच स्लॉट और डिनर स्लॉट का यहाँ पर रेट लगा हुआ है, टाइमिंग भी लगा हुआ है। अगर आपको बुकिंग करवाना है तो यहाँ पे ये जो स्क्रीन पे आप नंबर देख सकते हैं उस पे आप कॉल करके बुकिंग करवा सकते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं अटलांटिक फन वर्ल्ड जो रिवर फ्रंट के करीबन अटल ब्रिज से 1 किलोमीटर के आगे है। और यहाँ पे अटलांटिक फन वर्ल्ड के जो स्टाफ है उन्होंने मुझे बोला है कि हम आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। और मुझे देखिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू पे लाइफ जैकेट भी पहना दिया गया है। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं। सर आपका शुभ नाम? मेहुल श्रीमाली मेरा नाम है। ओके, यहाँ पे किस टाइप की राइड्स होती है और चार्जेस मैं आपको लास्ट में बता दूंगा और यहाँ पे सेफ्टी के क्या प्रिकॉशन लिए जाते हैं, चलिए जानकारी लेते हैं मेहुल भाई से। जी मेहुल भाई। जी सर, हम क्या सेफ्टी के लिए हम लाइफ जैकेट कंपलसरी सब कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। देन लाइफ जैकेट पहन के वाटर स्पोर्ट्स राइड कर सकता है कोई भी कस्टमर। ओके, हमारे पास स्पीड बोट, नॉर्मल बोट, जेट स्की राइड, देन किड्स एक्टिविटी, ये सब राइड्स अवेलेबल है। ओके, और ये बोट में किसी को सेलिब्रेशन भी करवाना है तो हम सेलिब्रेशन भी अरेंज करके देते हैं। ठीक है, आप बर्थडे सेलिब्रेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन है, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है, ऐसा कोई आपको अरेंज करना है तो इधर अवेलेबल मिल जाएगा। अच्छा, तो उसका जो चार्ज होता है बर्थडे सेलिब्रेशन? बेसिक सर 6000 से हमारे पैकेजेस स्टार्ट होते हैं, इंक्लूजन उसमें भी आपको पूरा बोट डेकोरेशन मिल जाता है, व्हीकल्स फायर एंट्री होती है, केक प्रोवाइड करते हैं, देन हाफ एन आवर की बोटिंग राइड देते हैं। काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस है। ठीक है, जिस तरह मेहुल भाई ने बताया यहाँ पे डिफरेंट टाइप के पैकेज रहते हैं, आप बोट में मैरिज सेलिब्रेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन भी कर सकते हैं। अब देखते हैं, अब बोट का थोड़ा सा अपने वीडियो उतार लेते हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कम से कम मेरे पीछे देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, फिर आप एग्जैक्ट मेरे पीछे देखिए जेट्स की भी यहाँ पे है। और ये राइड्स आप संडे है, संडे इवनिंग में तो यहाँ पे आपको नो वैकेंसी जैसा रहता है और यहाँ पे काफ़ी क्राउड लगे रहता है। भाई जो आपने हमारे टाइम निकाला और हमको इन्फॉर्मेशन दी यहाँ के बारे में, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये देखिए अटलांटिक फन वर्ल्ड में जो जो भी राइड चलती है उस सबके चार्जेस मैं आपको बता रहा हूँ स्क्रीन पे। पर पर्सन चार्जेस जेट स्की के 500 रुपीज़ है। उसके बाद विक्टर स्पीड बोट, उसका चार्जेस आप देख सकते हो 2% 1100, 4000, 1600, 8% 2600। और उसके बाद ये देखिए सीडू मॉन्स्टर 200 जेट बोट, इसकी ये चार्जेस देखिए 2% के इतने। सराउंडिंग थोड़ा सा काम चल रहा है या शायद तक आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है, मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की, अगर आवाज़ सुन नहीं पाए तो ये चार्जेस देख लेना। बंदा गया था, ये देखिए अगर आप प्योर अगर देख सकते हो तो ये देखिए, ओह माय गॉड, डाओ उन्होंने साइन दी, यहाँ से साइन दे दिया गया है। देखिए अगर आप देख सकते हैं तो कायक के पास एक बंदा फंसा हुआ है। और इन्फॉर्म कर दिया गया है कि देखिए ये देखिए कितनी स्पीड में आप देख सकते हैं, और फायर ब्रिगेड की एक टीम, ये देखिए ये फायर ब्रिगेड की टीम आ गई है और ये बंदे के पास देखिए, यस ये देखिए, पीछे एम्बुलेंस भी आ गई है, फायर की गाड़ी आ चुकी है और ये देखिए बंदे को फायर ने जंप आउट करके बचा लिया है। और पीछे एम्बुलेंस भी आ चुकी है और ये देखिए फायर का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन आज मैं आपको बता रहा हूँ। टीम आ रही है यहाँ पे, वहाँ पे कुछ फर्स्ट एड देने की कोशिश की जा रही है।
और ये इंजन स्टार्ट कर दिया गया है और ये आ चुके हैं यहाँ पे। ये देखिए कितनी स्पीड में वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, कितनी स्पीड में। ये देखना फायर का रेस्क्यू। एक 108 की टीम पूरी यहाँ पे हाजिर है, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ। शिफ्टिंग प्रोसीजर पूरी हो गई। देख सकते हैं आप, जो भी बंदा कायकिंग करने गया था वो जब उसको एक्सीडेंट हो गया तब उसे सीधा हॉस्पिटल 108 की टीम। ये देखिए आज मैं यहाँ पे आया था कायकिंग और जो स्पीड बोट रिलेटेड वाटर स्पोर्ट है उसका वीडियो बनाने, लेकिन आज फॉर्चुनेटली मुझे जो फायर का रेस्क्यू ऑपरेशन था वो देखने मिल गया और मैंने पूरा रिकॉर्ड किया। और यहाँ पे अहमदाबाद म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन की तरफ से 2400 घंटे फायर की टीम यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। अगर कुछ भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो विद इन 1 मिनट वो पेशेंट को रिवर में से निकाल के, विक्टिम को रिवर में से निकाल के विद इन 2 या 3 मिनट्स में पास में SVP हॉस्पिटल वहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। आप देखिए जिस तरह मैंने आपको पूरा ये रेस्क्यू ऑपरेशन बताया के साथ दिल धड़क ऑपरेशन था। चलिए आज रिवर फ्रंट के ब्लॉग का एंड करते हुए मैं आ गया हूँ लास्ट डेस्टिनेशन पे, गांधी आश्रम। ऑलरेडी गांधी आश्रम के ऊपर मैंने एक ब्लॉग बनाया हुआ है, वो मेरे डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना। तो सबसे पहले जब मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग करी तो हम आए थे शाहीबाग एयरपोर्ट से, शाहीबाग, और शाहीबाग में आपको मैंने शाहीबाग गार्डन के बारे में बताया। और आगे आता है अटल ब्रिज। अटल ब्रिज दोनों साइड से आप ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड से आप एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद उसके आगे जाते हैं कि लवजी बाबा की दरगाह और मस्जिद के बारे में मैंने आपको बताया, उसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद गए थे हम ब्रिज क्रॉस करके बायोडाइवर्सिटी पार्क, उसके बाद एटलांटिक फन वर्ल्ड और लास्ट में गांधी आश्रम। रिवर फ्रंट दो साइड में बटा हुआ है, ईस्ट और वेस्ट। आपको ईस्ट साइड में काफ़ी सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देखने मिल जाएंगे, जैसे जामा मस्जिद, सीधी सेठ की जाली, वो सभी आपको ईस्ट साइड में देखने मिल जाएंगे। तो चलिए, अगर आप आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है। और अहमदाबाद में आए तो रिवर फ्रंट की मुलाकात लिए बिना कहीं भी मत जाना, रिवर फ्रंट के लिए पूरा आपको एक दिन लगेगा। हाँ, पूरा एक दिन लगेगा। और जो भी वाटर राइड्स का वो आप ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हो और ऑफलाइन भी बुकिंग भी हो जाता है। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। मेरा ये पूरा वीडियो और ब्लॉग देखने के लिए आपका लाख लाख शुक्रिया। चलिए, थैंक यू।